ओम जी, स्वागत है मेरा दिव्य शिव योगा आयुर्वेदा चैनल पर, योगा विद कमला। और हमारे सर्वाइकल के होने लग रहे हैं, तब साधक करते रहेंगे, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं। आज हम बताएंगे दमा। सर्दियों में ज़्यादा दमा उखड़ जाता है, सांस प्रॉब्लम हो जाती है, और जिसको ये बीमारी है उसी को पता होता है वो बेचारा किस तरह से जी रहा है, कैसे सांस ले रहा है। दूसरों को तो ऐसे लगता है ये कैसे थूकता फिर रहा है, ये है वो है। तो भैया, जिसके भी घर में कि कोई भी ऐसा मरीज हो तो उसके साथ सहानुभूति ज़रूर दिखाएं और उसकी अच्छे से देखभाल करें। तो कहते हैं ना, दमा तो दम के साथ ही जाता है, तो ऐसा नहीं है भाई, दमा ठीक हो जाता है। योग प्राणायाम करो और कुछ अपने आयुर्वेद के नुस्खे हैं, जैसे दमबेल आती है एक, दमबेल का एक पत्र लेकर उसमें एक काली मिर्च डालकर पान की तरह खाली पेट चबा लें। दमबेल है उसका एक पत्ता लिया, उसमें एक काली मिर्च डाली और जैसे पान चबाते हैं ना वैसे चबाते रहें। इस तरह 3 दिन सेवन करने से दमा से पीड़ित रोगी को लगभग पूरा आराम मिल जाता है। देखो 3 दिन में लिख रखा है हमारी पुस्तक में बाबा रामदेव ने। तो जो दमबेल होती है उसका एक पत्ता लिया, उसमें एक काली मिर्च डाली और पान की तरह चबाते चबाते रहे 3-4 दिन लगातार करें आप। 3 दिन में पूरा लाभ ना मिले ना, तो स्थिति में इस प्रयोग को 1 सप्ताह तक कर ले। ये कोई ज़्यादा इससे गलत असर थोड़ी ना होएगा शरीर पर। अगर 3 दिन में हमारे को आराम नहीं मिलता है दमे में, तो और 1 हफ्ता बढ़ा लें। हो गए आपके, और करो आगे दूसरा सर्वाइकल के आगे पीछे चलो, तो शुगर के करो मंडूकासन का पहला दूसरा भाग। और मैं बता रही थी दमे के बारे में, दमबेल के पत्ते के बारे में। तो 7 पत्ते खाने से दमा जैसे कठिन रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है। 7 दिन खाओ 1-1 पत्ता, 1 काली मिर्च। इसका प्रयोग 3 या 7 दिन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना। 3 दिन या 7 दिन से छुटकारा मिल सकता है। किसी किसी रोगी को इसके सेवन से उल्टी हो सकती है, किसी किसी रोगी को उल्टी हो सकती है, वही घबराना मत। यह स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, जब कफ निकल जाएगा तो उल्टी अपने आप बंद हो जाएंगी। जब ये कफ निकल जाएगा ना तो उल्टी अपने आप बंद हो जाएंगी, घबराना मत। 1 माह तक रोगी को घी, तेल व सभी प्रकार की खट्टी व ठंडी चीज़ों से परहेज करना होगा। देखो परहेज भी इसमें तगड़ा दे रखा है, क्या तगड़ा दे रखा है, 1 महीने तक रोगी को क्या नहीं खाना, घी या तेल और खट्टी और ठंडी। दमे में तो ये चीज़ वैसे भी बंद ही बता देते हैं। हमारे साथ कर रहे हैं शुगर के मंडूकासन का पहला भाग, दूसरा भाग। ये जरूरी नहीं है अपना वज्रासन में ही बैठना है, जिससे जैसे बैठा जाए। हमारी क्लास को ये ना देखें भाई ये गलत कर रहे हैं, नहीं जी, जिससे जिस भी आसन में बैठा जाए उसी आसन में बैठ कर करना चाहिए। घुटनों में पेन है तो वो नहीं बैठ सकता वज्रासन में, इसलिए। तो देखो आज तो दमे की मैंने आपको बताई है, और भाई मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लगे, पसंद आए, आप देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। व्यू ज़्यादा आते हैं, लाइक थोड़े आते हैं, सब्सक्राइब तो आते ही नहीं है। आज हमारा दमबेल पे था, तो दमबेल का 1 पत्ता और काली मिर्च डालकर पान की तरह चबाएं। 3 दिन करें ये प्रयोग, अगर 3 दिन में भी आराम नहीं मिल रहा है तो 7 दिन करें, बस 3 या 7 दिन करना है। उल्टी भी आ सकती है आपको, घबराना नहीं, अंदर से पूरी सफाई हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएंगी उल्टी। और फिर 1 महीने तक इसका परहेज है तगड़ा, कदे जीभ ना अपने न काबू में ना रखो भाई, जीभ को कंट्रोल करना पड़ेगा, घी तेल और खट्टी और ठंडी चीज़।
हमारी योगा क्लास चली हुई है। शशांक आसन शुगर के लिए रामबाण आसन है ये। अब वक्रासन मोटापा शुगर के लिए। अब चलो भी आज हमारी योगा क्लास तो चलती रहेगी, और बताना मेरे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा नहीं लगा, जो जानकारी दी है आपके फ़ायदे की है या नहीं है, और आगे भी बताएं मैं किस तरह के वीडियो डालूं, क्या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस बीमारी से जानकारी लेना चाहते हो ठीक होने का जो भी है। और हमारी है पूरी पुस्तक, हमारे औषधि दर्शन है हमारी, ये देखो हमारे आचार्य बालकृष्ण जी और ये बाबा रामदेव जी से हमने इधर से ट्रेनिंग ले रखी है। तो मिलते हैं फिर किसी और नए ब्लॉक में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम।